हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ओप्पो के फ़ोन में कैसे पैटर्न लॉक लगाया जाता है गाइस, क्योंकि बहुत सारे यहां पे मतलब मोबाइल वाले मतलब मैसेज कर रहे थे, जैसे कि रियलमी में बताया था और यहां पे वीवो के भी फ़ोन में बताया था कि कैसे, अगर आपके पास कोई भी वीवो का फ़ोन है, ये नहीं ज़रूरी करता कि मतलब कि वीवो Y3 होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। तो वैसे ही अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन हो और कोई भी ब्रांड हो, ओप्पो में कोई भी आपका मतलब कि हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो और स्टेप बाई स्टेप देखते हो, तो आपको ओप्पो के कोई भी आपके पास ओप्पो का फोन हो, उसमें आपको पैटर्न लॉक लगाने आ जाता होगा और आ जाएगा भी। तो गाइज, आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा बिना स्किप किए हुए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज, चलिए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइज, सबसे पहले करना क्या होगा, आपके सेटिंग में जाना होगा गाइज। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद गाइज, जैसे ही सेटिंग में ओपन करते हो तो गाइज, आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से इंटरफेस आता है। तो गाइज, अब आपको करना क्या है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और गाइज, जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो गाइस, जैसे ही फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा और इस प्रकार से इंटरफेस आते हैं। तो गाइस, अब आपको करना क्या है, लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो लॉक स्क्रीन पासवर्ड, क्योंकि हम लोग को स्क्रीन पर ही पैटर्न लॉक चाहिए, तो हम लोग को क्या करना है, इसी पर क्लिक करना है। और गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बट हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, स्क्रीन पर लॉक लगाना है। तो गाइस, आपको टर्न ऑन पासवर्ड पर क्लिक करना है। और गाइस, जैसे ही टर्न ऑन पासवर्ड पर क्लिक करते हो तो ये क्या रहा, यहाँ पे तो नमलॉक ला गया। तो गाइज, घबराने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, पैटर्न लॉक चाहिए, हम लोग को नमलॉक नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो तो नमलॉक लगा सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पासवर्ड आते हैं, तो हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं, हम लोग को पैटर्न लॉक चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू वाला टिक है, टू मतलब 1 और 2 और 3 के ऊपर जस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखने के लिए मुझे अदर इंस्क्रिप्शन मेथड, जी हाँ दोस्तों, ब्लू वाला से। तो गाइज, आपको यहीं पर मिस्टेक करते हो, तो गाइज यहीं पर आपको क्लिक करना है। और गाइज, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आ जाते हैं, यानी कि 4 ही टाइप के, बहुत सारे क्या, तो यहाँ पे पैटर्न कोड 4 से मतलब कि डिजिट का और 4 to 16 digit का और यहाँ पे अल्फाबेटिकल का, तो हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो कि आप इसी सब में मतलब कि लॉक लगाओ, तो गाइज आप इसमें भी लॉक लगा सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइज, हम लोग को पैटर्न लॉक से मतलब है। तो गाइज, मैं पैटर्न लॉक लगाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और जो कोई भी पैटर्न लॉक आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो कोई भी पैटर्न लॉक लगाना चाहते हो, उसको आपको लगा लेना है। तो गाइज, एक बार लगाऊंगा, उसके बाद कन्फर्म के लिए एक बार अगेन से मैं पैटर्न लॉक लगा लूंगा, जो आपको मन करे वो आप पैटर्न लॉक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गाइज, यहाँ पे आपको कहता है क्या कि अगर आप फॉरगेट करते हो, यानी कि बार बार आप भूल जाते हो ये पैटर्न लॉक, तो अगर आप चाहते हो उसको फॉरगेट करना, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दोगे, जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। बट हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं, मैं इसको हटा दूंगा। अगर फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मैं लाइव प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आपका पैटर्न लॉक लगा ओप्पो के फोन में या नहीं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ऐसा इस प्रकार से इंटरफेस आ गया, और मैं तो यहाँ वाला लगाया था। तो गाइज, ये देख सकते हो आपका पैटर्न लॉक लग गया, ओप्पो के फोन में पैटर्न लॉक लग गया। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे, तो आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे, अगर आप ओप्पो के यूजर्स हैं, ओप्पो फोन यूज करते हैं, तो आप कैसे लगा सकते हैं ओप्पो के फोन में पैटर्न लॉक। तो गाइज, मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।